अश्विनी सिंह प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 एवं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष कौशाम्बी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुमित श्रीवास्तव मैनेजर HP गैस एजेंसी देवीगंज सिराथू कौशाम्बी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IV इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे 2 में 6 लेन में किसानों की जमीनों का सही मुआवजा न मिलने पर आए दिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। NH2 के 6 लेन में जा रहे गरीब किसानों के जमीन का मुआवजा सर्किट रेट हिसाब से बहुत कम मिलने पर भड़के किसानों ने समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष अश्विनी सिंह, समाजवादी पार्टी से दिलीप यादव व आशीष मौर्य और किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह व वही पूर्व कैबिनेट मंत्री मतीश सोनकर भी किसानों के लिए आगे आकर सिराथू तहसील के मीटिंग हॉल में NHAI की तरफ से आई इंजीनियर व अपर जिलाधिकारी कौशाम्बी व तहसीलदार सिराथू के सामने किसानों के लिए मांग की चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक नेशनल हाईवे का काम नहीं शुरू करने देंगे। वहीं अश्विनी सिंह ने NHAI पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां 23 मीटर लेन था वहां 31 मीटर पर खंभे गड़े हैं। अश्विनी सिंह के आरोपों को सही बताते हुए दिलीप यादव ने कहा कि NHAI के खिलाफ FIR होना चाहिए। वही पूर्व कैबिनेट मंत्री मतीश सोनकर व अश्विनी सिंह, आशीष मौर्य व दिलीप यादव ने भी ये मांग की है कि जिनके पूर्वजों के बने मकान हैं उनको भी उनका निवास प्रमाण पत्र व अन्य ID के आधार पर उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लगभग 50% लोग हैं जिनके मकान का खतौनी में नाम नहीं है, क्योंकि आज से कई साल पहले बने संपत्ति का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता था, इसलिए अपर जिलाधिकारी उन्हें भी मुआवजा दिलाने में सहयोग करें। इतना होने के बाद NHAI के इंजीनियर ने अधिग्रहण किए जा रहे जमीनों के माप को गलत मानते हुए कहा कि हम इसका माप फिर से कराएंगे, उसके बाद अगला कार्य करेंगे। ये गलती हमसे हुई है क्योंकि पुराने रोड जहां पर था उस रोड के बीच से माप होने के बजाय 4 लेन के बीच में माप हो गया है। हम इसे संशोधन करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे।